नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोटोरोला के नए स्मार्टफोन मोटो जी 51 का पोको M3 प्रो 5G से, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन 5G बेस्ड हैं और दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत आपको 15,000 से कम देखने को मिलती है। तो कन्फ्यूजन काफ़ी हो रहा है इन दोनों ही स्मार्टफोन में, जो कि दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप हो रहे हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन में कन्फ्यूज, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें ताकि आप ला सके अपने घर एक अच्छा खासा स्मार्टफोन 5G टेक्नोलॉजी के साथ। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम इन दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत से, फिर हम बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, कैमरे की, डिस्प्ले की, सबकी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों कीमत में पहले हम बात करेंगे मोटोरोला के स्मार्टफोन मोटो जी 51 5G की। तो इसमें दोस्तों आपको इसका बेस वेरियंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 14,999 रुपये देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम बात करें पोको M3 प्रो की, तो उसके अंदर आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज ही देखने को मिलता है। कीमत उसकी है 14,499 रुपये, यानी कि कीमत में आपको लगभग 500 रुपये का फर्क देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये ठीक है, नॉर्मल बेसिक कीमत कम है, ज़्यादा फालतू नहीं है ना ज़्यादा कम है, आपको ठीक देखने को मिलती है, लगभग बराबर सी है, कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। और अब दोस्तों कंपैरिजन करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में दोस्तों पहले हम बात करेंगे मोटो जी 51 5G की। तो उसके अंदर आपको दोस्तों कॉलकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 480 चिपसेट, जो कि 5G बेस्ड चिपसेट है, नया नवेला चिपसेट है। और वहीं अगर हम बात करें पोको M3 प्रो की, तो उसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों पोको का स्मार्टफोन है वो 7 नैनोमीटर पर काम करता है प्रोसेसर, और मोटोरोला के स्मार्टफोन में 8 नैनोमीटर पर काम करता है। लेकिन परफॉर्मेंस में देखी जाए तो डे टू डे परफॉर्मेंस में आप कोई फर्क नहीं देख सकते, तो इसलिए आप कोई भी स्मार्टफोन को गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों लगभग बराबर देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले में दोस्तों पहले मोटो जी 51 की बात करें, तो उसके अंदर दोस्तों आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.8 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली, जिसके अंदर दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों याद रहे डिस्प्ले काफी जबरदस्त दी गई है मोटो जी 51 5G की। अगर हम बात करें पोको M3 प्रो की, तो उसके अंदर 6.5 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई, जिसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। यही खासियत है डिस्प्ले के अंदर। लेकिन दोस्तों दोनों की डिस्प्ले अगर मैं बताऊं, तो मोटो जी 51 5G की डिस्प्ले कई मायनों में बेहतर है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में, आपकी मूवी देखने में, आपकी डिस्प्ले की जितनी भी जरूरत है वो सारी पूरी कर देता है। इसलिए मैं कहूंगा डिस्प्ले के मामले में मोटो जी 51 एक बेस्ट चॉइस रहेगा, ना कि आप जाएं पोको M3 प्रो की तरफ। अब दोस्तों बात करें हम दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की। तो कैमरे में दोस्तों पहले हम बात करें पोको M3 प्रो की, तो उसके अंदर दोस्तों ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, 2 का माइक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में आपको पंच होल डिजाइन के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें मोटो जी 51 5G की, तो उसमें भी वैसे तो ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप ही दिया गया है, लेकिन दोस्तों नई टेक्नोलॉजी वाला, जो कि आपको प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, यानी कि इसके अंदर डेप्थ सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फ्रंट की बात करें, तो 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है छोटे पंच होल डिजाइन के साथ। तो कैमरे में अगर दोनों ही देखे जाएं, आगे भी और पीछे भी, तो मोटो जी 51 कई मायनों में बेहतर परफॉर्मेंस देता है हमारे पोको M3 प्रो से, क्योंकि जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वो आजकल आपको लगभग हर ही स्मार्टफोन में देखने को 50 ही मिलता है, जो कि फ्लेक्सिप वाले भी वो भी अब 50 ही देने लग गए हैं। 64 का जो क्रेज था वो अब खत्म हो चुका है, आजकल 50 की ही बल्ले बल्ले चल रही है। तो कैमरा क्वालिटी में मोटो जी 51 बेहतर रहेगा पोको M3 प्रो से। अब बात करें दोस्तों बैटरी की। सो बैटरी में दोस्तों वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन दोस्तों आपको मोटो जी 51 के अंदर 20 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, तो वहीं आपके पोको M3 प्रो के अंदर आपको 18 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। इसमें कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन आप किसी भी स्मार्टफोन की जा सकते हैं, विनर तो हमारा पोको M3 प्रो ही है, क्योंकि थोड़ी सी माइनर फर्क ही सही, लेकिन ज़्यादा फास्ट चार्जर तो उसमें देखने को मिल ही रहा है। बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन 5G बेस्ड हैं, दोनों ही स्मार्टफोन में वाईफाई ब्लूटूथ GPS दिया गया है। मोटो जी 51 5G के अंदर आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, साथ ही डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में मोटो जी 51 में। और इसी के साथ दोनों ही स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगर पे स्कैनर दिया गया है। 512GB तक इंटरनल स्टोरेज को आप मोटो जी 51 में बढ़ा सकते हैं, तो 1TB तक का स्टोरेज आप पोको M3 प्रो में बढ़ा सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के दोस्तों ये बेसिक से स्पेसिफिकेशन फुल कंपैरिजन आपने आज देखा। कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों मैं आपको सलाह दूं, तो कैमरे में भी अच्छा, डिस्प्ले में भी अच्छा, और लाइक परफॉर्मेंस में भी आपको अच्छा देखने को मिलता है मोटो जी 51। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप इतनी कीमत खर्च कर ही रहे हैं, तो
₹500 एक्स्ट्रा खर्च करके 15 से कम ही आता है फिर भी, तो आप मोटो G51 को ले सकते हैं। दोस्तों याद रहे, आने वाले टाइम में स्मार्टफोन की कीमत पक्का बढ़ने वाली है, इस बात की तो मैं गारंटी ले ही सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर लगता है किसी भी चीज़ में, परफॉर्मेंस में, डिज़ाइन में, या फिर कोई भी कैमरा क्वालिटी में। कैमरा क्वालिटी सीधी सी बात है, मोटो G51 एक बेस्ट चॉइस रहेगी। तो इसलिए दोस्तों 6 तारीख से ये स्मार्टफोन सेल पर आ चुका है, आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।